हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट नंबर 3 पेरिफेरियल एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने दो क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो देखिएगा, पेरिफेरियल एरोमेटिसिटी के अंदर एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्या होता है पेरिफेरियल एरोमेटिसिटी का पार्ट, तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका पायरेन है बेटा, आप देखिएगा इस पायरेन के अंदर ये बीच वाला डबल बॉन्ड, अगर इसकी मैं बात करूं तो मैं इसका रिएक्शन कराना चाहता हूं एच बी आर के साथ, वन इक्विवेलेंट, और ये ई ए आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहां से मेरे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा। यहां पर आपका डैश 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 पर तो एच लग जाएगा और वेज लाइन पर बी आर लग जाएगा, अर्थात यहां हमारे पास एंटी एडिशन हो गया। कौन सा एडिशन हो गया बेटा? एंटी एडिशन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के वाया। अब आप देखिएगा बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, सो एल्कीन प्रॉपर्टीज, अर्थात एक एल्कीन की जो प्रॉपर्टीज होती है ये उसको शो कर रहा है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है कि ये पाई बॉन्ड आपका जो है वो बल्की है, अर्थात ये मोर क्राउडेड बॉन्ड है, तो उसके लिए लिखेंगे हम बल्की पाई इलेक्ट्रॉन। ये आपके बल्की पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बेटा गोज आउट ऑफ द प्लेन, गोज आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन के बाहर चले जाते हैं। और बेटा प्लेन के बाहर जाने की वजह से हम बोलेंगे कि ये पाई बॉन्ड आपका जो है वो क्या होता है बेटा, लोकेलाइज होता है, डीलोकेलाइज नहीं होता। और लोकेलाइज होने की वजह से ये एल्कीन की सभी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो इसका मतलब अब आप देखिएगा, इसके अंदर मैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं, तो यहां से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 बेटा टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अर्थात 7 पाई पेयर है। अगर 7 पाई पेयर होगा तो दिस कंपाउंड आर ऑल्सो एरोमेटिक, अर्थात ये कंपाउंड आपका क्या होगा बेटा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसके अंदर सभी हकल्स के रूल का फॉलो हो रहा है और आपके साइक्लिक और साइक्लिक रेजोनेंस का भी फॉलो होगा। देखिएगा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरा कंपाउंड रोटेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, वो इंपॉर्टेंट नोट यही है कि बेटा पायरेन में जो बीच वाला ये डबल बॉन्ड है ये बल्की होने की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, इसलिए लोकेलाइज है, और लोकेलाइज है तो ई आर रिएक्शन को शो करता है। और ध्यान रखना बेटा, जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है वो कभी भी एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं होता। तो यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या देख लीजिएगा आप लोग, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। अगर आपका कोई एक एरोमेटिक सिस्टम है तो बेटा उस एरोमेटिक सिस्टम का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डज नॉट शो ई एस आर, डज नॉट तो ई ए आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ध्यान रखना, अगर कोई पाई बॉन्ड आपका अगर ई आर कर रहा है तो वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं होता। वाई जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ पायरेन, या आपके जो पायरेन है उसका पाई इलेक्ट्रॉन है वो शो एडिशन रिएक्शन, अर्थात वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। अगर वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है तो हैंस डज नॉट, हैंस डज नॉट टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, डज नॉट टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, अर्थात वो आपके एरोमेटिसिटी का हिस्सा भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, ये आपके पेरिफेरल सिस्टम का पोर्शन कंप्लीट हुआ।
और दिस कंपाउंड आर एरोमेटिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।